Anonymous. We are Legion. We do not forgive. हेलो दोस्तों, मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हो एयर के सर्वाइवल इवॉल्व मोबाइल एडिशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं टेम करने वाला हूँ डंग बैटल को। तो दोस्तों, डंग बैटल को टेम करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डंग बैटल को टेम करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो डंग बैटल बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। डंग बैटल के बॉडी के अंदर अगर हमने पूप कलेक्ट करके उसके बॉडी के अंदर डाल दिया तो पूप का कन्वर्जन फर्टिलाइज़र में कर देता है और ऑयल भी बनाता है उसे, फर्टिलाइज़र और ऑयल बनाता है। तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। बड़े बड़े जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनके पास डंग मेटल होते ही है, क्योंकि डंग मेटल जो होता है बड़े भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र बनाता है। बड़े अच्छे से अपने को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, बस एनिमल का पूप उठा लो, पूप मतलब उनका पॉटी उठा लो और डंग मेटल के अंदर डाल दो, इतना ही काम होता है सिर्फ। बाकी सब अपने आप डंग मेटल बनाते बैठता है फर्टिलाइज़र। तो चलिए मैं आपको अपने डंग मेटल बता देता हूँ। ये एरी डंग मेटल है, मैंने डंजन से लाए हुए थे, तो इसका इन्वेंट्री खोल के मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के लिए। तो देखिए, मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा पूप डाला होता है एनिमल का, तो उसने पूप का कन्वर्जन देखिए दोस्तों फर्टिलाइज़र में कर दिया। और कुछ समय पहले ही मैंने इसके अंदर डाला था, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसने फर्टिलाइज़र भी बना दिया और साथ ही साथ में ऑयल भी बना दिया। तो इसका काम होता है दोस्तों। तो आज हम इसको टेम करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत काम की चीज़ है डंग मेटल। आपको लगेगा छोटा बेस हो या बड़ा बेस हो, छोटा ट्राइब हो या बड़ा ट्राइब हो, डंग मेटल तो लगता ही है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, और साथ ही साथ ऑयल भी थोड़ा बहुत ऑयल भी ये दे देता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं डंग मेटल को टेम करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डंग मेटल को टेम करने के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है हमको, क्योंकि डंग मेटल केओ में मिलते हैं दोस्तों। हमें केओ के अंदर जाना होगा उनको टेम करने के लिए, और वो पैसिव टेम होते हैं। पैसिव टेम मतलब हमें उनको अनकॉन्शियस करने का ज़रूरत नहीं होता है, जस्ट उन्हें फीड कर दीजिए खाना तो वो टेम होने लग जाते हैं। तो जो डंग बैटल होता है वो एनिमल का फिश खाता है, मतलब फिश मतलब पूप खाता है एनिमल का। तो हमने एनिमल का पूप ले लेना साथ में काफ़ी सारा, तो मैंने 5 लिया हुआ है। और उसके साथ ही साथ बग रेपेलेंट भी ले लेना, बग रेपेलेंट भी काम की चीज़ है, इससे अपने को जो बग डाइनोज है वो हम पर हमला नहीं करते, तो इसलिए। और बस ये दो ही चीज़ों का ज़रूरत है हमें केओ के अंदर जाने। आप डायनो भी लेके जा सकते हो या फिर आप अच्छा वेपन लेके जा सकते हो जिससे आप वहाँ के केओ के डायनोस को मार सको। तो मैं तो ऐसे ही जाऊँगा, मैं डायनो वगैरह नहीं ले रहा हूँ साथ में, पहले मैं खा लूँ शैडो स्टिक। हाँ तो चलिए, मैं और थोड़ा बहुत एनिमल पूप कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा लेवल का डंग मेटल मिल गया तो मैं उसको वहाँ पर रिटेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं केओ में। हमारा योद्धा, हाँ ये देखिए हमारा योद्धा यहाँ पर खड़ा है। तो चल भाई, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ हम कौन से केओ में जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, हम इस केओ में जाने वाले हैं डंग बैटल को टेम करने के लिए। तो चलिए उस केओ में। Few minutes later. हाँ तो देखिए दोस्तों, हम केओ में आ चुके हैं। इस केओ में हम डंग बैटल को टेम करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम डायनो हमारा कहीं लगा देते हैं योद्धा को, यहाँ पर पार्क कर देता हूँ मैं इसको। चलो ठीक है। हाँ अभी हम केओ के अंदर एंटर करते हैं दोस्तों। तो चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मैं पी लेता हूँ बग रेपेलेंट, बड़ी काम की चीज़ है। बग रेपेलेंट से क्या होता है, जो बग डाइनो होते हैं ना, वो हम पर हमला नहीं करते अगर हम उनके ज़्यादा करीब नहीं गए तो। शैडो स्टिक ख़त्म हो गया, शैडो स्टिक खा लेता हूँ मैं, आसानी होगा मुझे। वैसे मैं टॉर्च से भी काम चला सकता हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे डाइनोज है, तो मैं इनसे लड़ भी सकता हूँ। अगर इन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैं लड़ूंगा इनसे। हाँ तो याद रखना दोस्तों, जो बग रेपेलेंट होता है वो स्नेक पर काम नहीं करता है, स्नेक आप पर हमला करेंगे अगर आपने बग रेपेलेंट पिया हुआ तब भी। तो याद रखना, हमको स्नेक से लड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास अच्छा वाला सॉर्ड है, तो मैं इन सबको आराम से निपट सकता हूँ।
चलिए अभी हमें थोड़ा युद्ध करना पड़ेगा यहाँ पर। अब सही है, यहाँ पर ही डंग मेटल मिलते हैं दोस्तों। वो देखिए अपने सामने डंग मेटल नहीं, हो अलग डायनो है। बड़े ध्यान से आगे बढ़ना होगा हमें। अगर आपके पास अच्छे वेपन नहीं हो गया, अच्छा आर्मर नहीं होगा, तो फिर आप क्या करने का, आप डायनो लेकर आने का, जैसे कि ओल्ड लेकर आ सकते हो आप। तो ये देखिए स्नेक यहाँ पर ऊपर लटका पड़ा है, तो इसको मैं मार देता हूँ उससे पहले कि वो मुझे मार दे। यहाँ पर देखिए लूट भी है, लूट क्रेट कैंडला। ओ भाई कौन सा डायनो ये, स्नेक 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 स्नेक, दो बार हिट कर दिया उसने मुझे। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पास अच्छा वाला आर्मर है, तो इसीलिए मैं लड़ सकता हूँ। अगर आपके पास अच्छा वाला आर्मर नहीं है, अच्छा वाले वेपन्स नहीं है, तो आप डायनो लेकर आना साथ में, जैसा कि ओल्प लेकर आ सकते हो या फिर बैरियोनिक्स। तो चलिए इनसे लड़ना है अभी हमें। डंग मेटल वैसे जल्दी मिल जाते हैं, पर वो फिलहाल जल्दी नहीं मिल रहे हमें। रात हो चुकी है दोस्तों, देखिए सामने मेगालोसॉरस भी अपने लेफ्ट साइड में, तो उससे पंगा नहीं लेना है क्योंकि उसका अच्छा खासा डैमेज होता है, और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं आना है मेगालोसॉरस के सामने। यहाँ पर तो हम आर्टिफैक्ट की तरफ आ चुके हैं सीधे, सीधा आर्टिफैक्ट। ये भी एक स्पॉट है दोस्तों डंग बैटल का, वो देखिए सामने एक डंग बैटल है हमारे। तो पहले हमको इन सब डायनो को पहले क्लियर करना होगा। वैसे क्लियर करने का भी ज़रूरत नहीं है, इनके पास मत जाना, सिर्फ इनसे दूर रहकर उसे टेम करना, तो तब भी टेम हो जाएगा। जैसा कि मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं पूरा आराम से इसे टेम करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे सामने डंग बैटल है, तो पहले पानी पी लेता हूँ। हाँ अब सही है, अबे पिया क्यों नहीं, पी लिया, अब सही है। तो देखिए दोस्तों डंग बैटल को टेम करने का सही तरीका क्या हो। अरे भाई कौन आ गया पीछे से, फिर निकाल सॉर्ड। कोई ना कोई आ ही जा रहा है यहाँ पर, तो अरे अब शायद सब क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि कैसे टीम कर सकते हैं। देखिए ये डंग बैटल है हमारे सामने, मैं इसका पास से फोटो दिखाता हूँ आपको कैमरे से। तो ये देखिए ये ऐसा दिखता है कुछ डंग बैटल,
और इसको टिम करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इन स्लॉट्स में हमें पुप डालने होंगे, पुप भर लेने होंगे। तो देखिए इस तरह से मैं जैसा कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही करते जाना है। देखिए इस तरह से पुप इस स्लॉट्स में डाल देना है आपको। उसके बाद डंग बैटल को मार्क करके जो पुप है उसे खिला देना है। तो देखिए उसका टाइमिंग चालू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे टेम करना, बस हार्ड पार्ट ये है क्योंकि उसके अंदर जाके हमें इसको टेम करना है। अगर अच्छे वेपन है तो आराम से हम जाके कर सकते हैं, और अच्छे वेपन नहीं हमारे पास तो फिर हमें डायनो लेकर आना होगा। तो देखिए अभी वेट करना होगा हमें, जैसे कि इसको फिर से भूख लगता है, फिर से हंगर होता है, तो हम इसको फिर से फीड करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए वापस से हंगर लग चुका है हमारे डंग बैटल को, तो वापस से इसके पास जाकर खड़े रहना है, इसे मार्क करना है और पुप के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो देखिए वो खाने लग गया। अब वापस से हमें वेट करना होगा जब तक कि इसे वापस से भूख ना लगता, वापस जाके हम इसे फीड करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों डंग बैटल सक्सेसफुली टेम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा आसान था इसको टेम करना, बस हार्ड पार्ट ये था कि केव के अंदर आकर हमें इसे टेम करना है। तो इस तरह से हम डंग बैटल को टेम कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं जब बाहर निकलूँगा केव के तो ये अपने आप बाहर मिल जाएगा हमें केव के। हाँ तो चलिए दोस्तों अभी मैं आर्टिफैक्ट ले लेता हूँ, यहाँ तक आ चुका हूँ तो आर्टिफैक्ट भी लेकर ही जाता हूँ साथ में, और आर्टिफैक्ट लेकर फिर हम केव के बाहर निकलेंगे। इस तरह से। तो चले अभी हम सीधा केव के बाहर निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ तो दोस्तों इस तरह से हम डंग बैटल को टेम कर सकते हैं। वो डंग बैटल बड़ी काम की चीज़ है, आप भी ज़रूर टेम करना डंग बैटल को फर्टिलाइज़र के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।